तो दोस्तों आज हम हरी मटर की सब्जी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी मटर ली है जिसे धो के मैंने निकाल लिया है। अब हम इसको दरदरा पीसेंगे। तो ये मिक्सी जार में एक कटोरी मटर ली है। अब थोड़ा सा धनिया डालेंगे, अब दो हरी मिर्च डालेंगे। अब इसको हम पीस लेते हैं। ये दरदरा पीस लिया है हमने। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये दो चम्मच हम अलग निकाल लेंगे ग्रेवी के लिए। तो अब इसमें हम नमक मिक्स करेंगे। और ये दो चम्मच मैंने बेसन लिया। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, ये बाइंडिंग के लिए है। अब मैंने ये प्याज लिए जो मैंने बारीक काट रखी थी, तो इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इस सबको मिक्स करके इनकी बड़ियां बनाएंगे। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया है, अब इनकी बड़ियां बना लेते हैं। ये लीजिए, बढ़िया तैयार हो गई हैं। अब इनको स्टीम देना है। स्टीम देने के लिए मैंने ये बर्तन लिया है और एक गिलास पानी डालेंगे। इसके ऊपर हमें एक छन्नी रखनी है जिसको तेल से ग्रीस करना है, जो कि ये हम बढ़िया रखेंगे तो ये चिपके ना। तो लीजिए, ये स्टीम के लिए मैं रख दे रही हूँ। इसे ढक देते हैं 10 से 5 मिनट के लिए। तो चलिए, हम ये बढ़िया हमारी तैयार हो गई हैं, फूल के बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब हम ग्रेवी के लिए मसाला, तो ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है, एक टमाटर लिया है जिसे मैंने काट लिया है, ये 10 से 12 कलियां लहसुन की हैं, एक चम्मच जीरा, ये 4 से 5 लौंग ली है मैंने, और एक दालचीनी है छोटी से टुकड़े में, और बड़ी इलायची एक, ये 10 से 12 काली मिर्च है। इन्हें हम पीस लेते हैं। अब ये कढ़ाई ली है हमने, इसमें तेल डालेंगे। ये लीजिए, तेल गरम हो गया है तो जीरा डाल देंगे। जीरा चटक जाएगा तो हम एक तेज पत्ता डालेंगे इसमें। जीरा चटक गया है तो एक तेज पत्ता डाल देते हैं। अब इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। अब जो हमने मसाला पीस के रखा था उसे भूनने के लिए डाल देते हैं। मसाले को अच्छी तरह भूंजिएगा, तभी सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। तो अभी से हम 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। तो मसाला हमारा पक गया है। जो हमने ये अलग 2 चम्मच मटर पिसी हुई निकाली थी, इसे भी मिक्स करके पका लेंगे। तो ये मटर हमने डाली थी, अब 2-3 सेकंड के लिए इसे भी पकाएंगे। ये लीजिए, मिक्स हो गई है इसमें मसाले में। अब से 2-3 सेकंड के लिए इसे भी पका लेते हैं। ये लीजिए, ये पक चुकी है। ये देखिए, जो मटर पीसी हुई डाली थी वो भी पक चुकी है। अब ये मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच सब्जी मसाला है, 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है। तो ये नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लेना। ये लीजिए, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो गया है। अब इसको भी 2-3 मिनट के लिए ढक के, जब तक तेल ना छोड़ दे मसाला, तब तक पकाएंगे। तो देखिए आप साइड, देखिए ये मसाला हमारा पक चुका है और मसाले में से तेल साइड में दिख रहा है। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। आप ग्रेवी चाहे पतली ले लें चाहे गाढ़ी, वो आप अपने तरीके से बना लेना। तो अब इसे ढक के पकाएंगे। हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। अब हमने जो बढ़िया बनाई थी उनको डालेंगे।
ये बढ़िया डाल दी है हमने, अब इनको ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए हमारी मिक्स हो गई है ग्रेवी में। अब थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया डाल दिया हमने। ये लीजिए सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।